पिछले 53 दिन से बेरोजगारों का आंदोलन जारी था। आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित किया है, क्योंकि आंदोलन के दौरान हमारी 9 मांगे पूरी हो चुकी थी। बची 4-5 मांगे इसी महीने में पूरी होंगी। और जो अन्य जो मांगे थी, स्कूल जाकर था भर्ती 2018 में कम के पद हो, चाहे वो नीट में 50,000 पद बढ़ाने की मांग हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति हो, पीटीआई पद बढ़ाने की मांग हो, चिकित्सा भर्ती निकालने की मांग हो, टेक्निकल हेल्प पर कंप्यूटर अनुदेश भर्ती की विज्ञप्ति की मांग हो, बेरोजगारों को दर्ज मुक्ति वापस लेना, अध्यादेश जारी करने, तमाम मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। आने वाले 1-2 महीने में नई भर्तियां होगी, नए साल पे बेरोजगारों को तोहफा मिलेगा, उनकी विज्ञप्तियां भी जारी होंगी। भर्ती परीक्षाओं के जो तिथियों को लेकर जो टकरा थी उस संबंध में बात रखी है। तो तमाम वार्ता के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो 8 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके एक एक अभ्यर्थी से उनकी समस्या जानी और जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का विश्वास दिलाया, उसके बाद हमने इस आंदोलन को स्थगित किया है। और जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरे राजस्थान में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और पूरे प्रदेश में हमारे सदस्यता अभियान के तहत पूरे संगठन को मजबूत किया जाएगा और लाखों लोगों को संगठन जोड़ा जाएगा और हर जिले से लेकर इकाई तक पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकाली जाएगी जिससे संगठन मजबूत हो और भविष्य में जो भी आंदोलन हो वो मजबूती से लड़ सके। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।